नमस्ते किसान, मिट्टी की जांच रजत किसान साथ में आपका स्वागत है। मैं रजत किसान बी किसान ग्रुप के साथ छोटे छोटे बाग को लीड करता हूं, जहां पर आज हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ठीक है, और यह कितना होना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, और किस तरीके से हम इसे अपने क्या क्या पोषक पदार्थ डाल के और इसको बढ़ा सकते हैं अगर कम है तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर क्या है। तो ऑर्गेनिक मैटर होता है किसान भाइयों कार्बनिक पदार्थ, आमतौर पर इसे कार्बन कार्बन के रूप में, आमतौर पर किसान इसे कार्बन के रूप में पहचानता है अपने खेतों में। तो शुरुआत करते हैं, हम सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अगर हमने अपने खेत की मिट्टी की अगर जांच कराई और उसमें ऑर्गेनिक मैटर लिखा हुआ आया तो वो होता है कार्बन, और हम इस कार्बन को कितना होना चाहिए हमारी खेत की मिट्टी में, तो इसकी मात्रा जो होती है मान, सामान्य मान जो होता है वो होता है 0.5 से लगा के 1.0 तक, ये सामान्य होता है। जिसमें 0.75 अगर आपके खेत की मिट्टी का मान होता है तो वो बिल्कुल ही बेस्ट होता है, ठीक है। उसमें आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पौधा बिल्कुल भोजन जल्दी से अपटेक करेगा और जल्दी ग्रोथ भी होगी पौधों में, अगर 0.75 अगर आता है आपके खेत की मिट्टी का ऑर्गेनिक मीटर का मान तो। 0.5 से अगर कम होता है तो किसान के लिए चिंता का विषय है, अगर कम होता है तो हम इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं ये हम जानते हैं कि क्या क्या हम पोषक पदार्थ अपने खेत की मिट्टी में डाल सकते हैं, खेत की मिट्टी को दे सकते हैं क्या क्या पोषक पदार्थ। तो वो है, सबसे पहले शुरुआत में आता है खेत का जो एक पाला होता है, खेत की पाली, खेत से जो वेस्ट निकलता है चारा और ये, तो सबसे पहला जरूरी इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, किसान अपने खेत में जब निंदाई करता है तो चारा किसान को खेत से बाहर नहीं फेंकना है, चारे को उखाड़ना है और एक जगह ढेर करो, उसको सड़ाओ, उसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, वहीं खाएंगे और वहीं कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया मर जाएंगे, जिसमें कीड़े मकोड़े में भी कार्बनिक पदार्थ होता है, और ये वेस्ट जो आपके खेत से जो चारा और ये वो निकलेगा, सड़ेगा और कार्बनिक पदार्थ पैदा करेगा, कार्बन बनाएगा, ठीक है। तो जो खेत से निकला हुआ वेस्ट है वो आपको बाहर नहीं फेंकना है, खेत में ही रखना है। तो एक तो ये हो गया, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जिनसे हम अपने खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ को बढ़ा सकते हैं। तो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया जो आपकी मिट्टी में चारा और ये सड़ता है, गोबर खाद और ये सड़ते हैं और जो कीड़े होते हैं पैदा होते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, तो ये एक आपका हो गया कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। उसके बाद जानवरों का अवशेष, जानवरों में भी कार्बनिक पदार्थ होता है, हमारे अंदर भी कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। गोबर खाद का आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए, बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और क्या है हमारे पास, तो जैविक खाद है ना, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट इसे कहते हैं, और एक ग्रीन खाद, हरी खाद है ना, हरी खाद का भी आप उपयोग कर सकते हैं। हरी खाद में क्या, किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं, तो हरी खाद का वो यूज़ इस तरीके से करता है किसान, अपने खेत में फसल पैदा करता है, उत्पादन लेने से पहले फसल पर रोटावेटर चला देता है, कल्टीवेटर चला देता है, वहीं पर फसल को मिट्टी में वापस दबा देता है, जिससे कि कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है, आने वाली अगली जो फसल रहती है वो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। राख, राख से भी आपकी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है, और गन्ना प्रेसमेट भी आप यूज कर सकते हैं अपने खेत की मिट्टी में डालने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप जब ये ग्रीन खाद का अगर उपयोग कर रहे हैं तो इसमें आप वेस्ट डिकम्पोजर का भी यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर जो होता है वो देसी गाय के गोबर से बना होता है, देसी गाय के गोबर के बैक्टीरिया से बना होता है वेस्ट डिकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर जो ग्रीन खाद है इसको सड़ाने में बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शीघ्रता से सड़ाता है और कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने में वेस्ट डिकम्पोजर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। और इसके लाभ, मतलब में कार्बनिक पदार्थ के क्या लाभ है ना, ऑर्गेनिक मैटर से क्या लाभ होता है, तो इससे लाभ मुख्य रूप से, एक तो आपके खेत की मिट्टी बिल्कुल ही भुरभुरी हो जाएगी, दानेदार हो जाएगी, ठीक है, मिट्टी में जो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, पौधा भोजन बहुत ही अच्छी तरीके से उठाएगा, है ना, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, नीचे रूट जो जड़ है जड़ भी अच्छी बनेगी, पौधा ग्रोथ भी अच्छा करेगा, फल भी अच्छा देगा, फल देने के बाद किसान उसे खाएगा, जब हर इंसान उन शुद्ध
बिना रासायनिक खाद का उपयोग करा हुआ खाद से जो उत्पादन आया है उनको जब कोई भी इंसान कोई भी किसान खाएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी किसान की, हर इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, प्लस बीमारियां कम होगी। जिस तरीके से रासायनिक खादों का उपयोग करने से हम आज के जो हमारा एटमॉस्फेयर है, रासायनिक खाद का उपयोग करने से जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसको अगर कम करना है तो किसान को ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग बढ़ाना होगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर अगर आपके खेत की मिट्टी में ठीक है, बिल्कुल ही व्यवस्थित है, कम है तो नुकसान है, अगर व्यवस्थित है सामान्य है तो इसमें आपको रासायनिक खाद का उपयोग भी कम से कम करना होगा, क्योंकि फसल का उत्पादन अच्छा है। रासायनिक खाद का उपयोग कम होगा तो किसान खर्च ज़्यादा, उत्पादन ज़्यादा अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है किसान भाई। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, जान लिया कि किस तरीके से खेत की मिट्टी का कि जब हम जांच कराते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए, 0.5 से लगा के तो 1.0 तक होना चाहिए, जिसमें बेस्ट 0.75 बेस्ट होता है, ग्रीन खाद, हरी खाद, गोबर और राख और इनका यूज़ करके आप अपने खेत में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके लाभ भी हमने जान लिए क्या क्या होता है। तो ठीक है किसान भाइयों, नमस्कार, धन्यवाद। मैं रजत किसान, मिलता हूँ आपसे अपनी आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।